हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 चल रही थी, जिसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, साथ में हमने अपने ऐप की भी लिंक दे दी है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर किग्रा में चेंज करिए। तो हमें यहाँ पे यूनिट जो दी गई है ग्राम की दी गई है। ग्राम से हमें किसमें चेंज करना है? किग्रा में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको कुछ खास बातें पता होनी चाहिए, जिनको हम नोट करा के लिख रहे हैं। ठीक है, आपको पता क्या होना चाहिए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। केजी का मतलब किग्रा, ठीक है, किलोग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। देखो, जिसको हम जी भी लिखते हैं, जीएम भी लिखते हैं, ठीक है। और फिर हमको लेकिन ग्राम जो है वो बताना है, ठीक है। हमको क्या बताना है? ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम बराबर हम इस 1000 को 1 के बटे में ले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। मतलब 1 ग्राम जो है वो 1/1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब 1/1000 को हम क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज कर लेंगे? दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो हम ऊपर जो 1 लिखा है वो लिख लेंगे। अब 3 0 ये हमारे तभी हटेंगे जब हम दशमलव को 3 अंक पहले लगाएंगे। 1 ही हमारे पास अंक है। 3 अंक बनाने के लिए हम इस अंक के पहले 2 0 लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले लगाना है। अब हमारे 3 अंक हो गए। 3 अंक पहले दशमलव लगा लिया। अब दशमलव के पहले कोई अंक नहीं होता है, तो हम 0 लगा देते हैं। अब मतलब अब हमारा ये निकल के आ गया है, 1 ग्राम जो होता है वो 0.001 किलोग्राम के बराबर होता है। इस चीज को आप लर्न कर लीजिए। लर्न नहीं होती है तो ये चीज तो आपको आनी चाहिए। बाय चांस आपने लर्न की, आप भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि आप इसको मतलब देख लीजिए कैसे ये निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसी चीज से ही हमारे सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। पहला है 2 ग्राम, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है। किसमें? किलोग्राम में चेंज करना। अब हमें पता नहीं है कितने 2 ग्राम से कितना मतलब बनेगा जाके। तो हमें क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि 1 ग्राम कितने के बराबर होता है? अभी हमने देखा 1 ग्राम जो होता है 0.001 केजी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 2 ग्राम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0.001 की मल्टीप्लाई जो है वो हम 2 से कर देंगे। जब 2 से 1 की गुणा होगी तो 2 आ जाएगा। 2 से 0 की गुणा होगी 0 आ जाएगा। 2 से 0 की गुणा होगी 0 आ जाएगा। और दशमलव 3 अंक पहले दशमलव है, दशमलव लगा दिया। फिर दशमलव के पहले कुछ होता नहीं तो हमने 0 लगा दिया। अब ये हमारा कन्वर्ट आके वो क्या आ गया है? 0.002, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट होके आ गया है। इतना केजी हमारा बन गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन? पहला वाला। अब हम करेंगे बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में ये हमको दे रहे हैं 100 ग्राम, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको। 100 ग्राम को बताना है कितने केजी के बराबर है। यही तो है क्वेश्चन। तो सबसे पहले वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। क्योंकि 1 ग्राम जो है वो कितने के बराबर है? 0.001 केजी। इसको लगाने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जो कि जब हमने पहले आपको पढ़ाया था ना ये सारा सब कुछ, तो वहां पे दूसरा तरीका बताया था जो कि थोड़ा लेंथी था, ठीक है। ये तरीका बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। इस तरीके से ही करना है। चलो, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से बता देते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से बता देते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप बता दें, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि 100 ग्राम के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 100 ग्राम जो है क्या हो जाएगा? 0.001 की मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 100 से 1 की गुणा होगी तो हमारा 100 आ जाएगा। अब 3 अंक पहले दशमलव है, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया। दशमलव के पहले जब कुछ होता नहीं है तो 0 लगा देते हैं। अब हमने केजी में कन्वर्ट किया है तो केजी लिख दिया। तो ये हमारा आ जाएगा 0.00100, जिसको कि हम अगर दशमलव के बाद में लास्ट में अगर 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 केजी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहीं पे छोड़ दो या यहीं पे छोड़ दो, दोनों ही सही है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से आपको बता देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बता देते हैं। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि चूंकि हम यहाँ पे डाल देते हैं पहला तरीका और ये हमारा है दूसरा तरीका, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/1000 kg के बराबर होता है। यही तो लिखा है यहाँ पे, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए 100 ग्राम इसके बराबर हो जाएगा, 100 की इससे गुणा हो जाएगी, मतलब 100 × 1/1000। अब क्या किया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, तो हमारे पास क्या बचा, 1/10। 1/10 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करेंगे। दशमलव में कैसे चेंज होगा, 1 जीरो है तो अंश पहले लिख दो, अंश में 1 था 1 लिख दिया। 1 जीरो है तो 1 अंक पहले दशमलव लगाना था, 1 अंक पहले दशमलव लगा दिया। दशमलव के पहले कुछ होता नहीं तो 0 लगा दिया। तो इस तरीके से आ गया, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 100 लिखा था इसलिए बहुत इजी हो गया। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता थोड़ा सा आपको टफ पड़, ठीक है। तो कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। अब हम करेंगे सी वाला, जहां पे लिखा है 3750 ग्राम, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सी 3750 ग्राम को हमें चेंज करना है, किसमें, केजी में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही, चूंकि 1 ग्राम जो होता है वो 0.001 kg के बराबर होता है, इसलिए 3750 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, ये 0.001 की मल्टीप्लाई 3750 से कर दो, जिससे यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, टोटल 5 है, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, जब 3750 की 1 से गुणा होगी तो सेम वही आ जाएगा, 3750। 3 अंक पहले दशमलव, 3 अंक पहले दशमलव यहाँ पे लग गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3.750। 750 नहीं पड़ेंगे इसको, 3.750 kg ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है डी 5 kg 8 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे डी लिखेंगे 5 kg और 8 ग्राम, ठीक है। तो हमें बताना है ये कितने केजी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, वही चीज, इस चीज को एक और चीज में हम लिख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास केजी भी है ग्राम भी है, दोनों ही चीज है, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा इधर, 5 kg + 8 ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें ओवरऑल बताना है कि कितना केजी हुआ रखे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही, अब प्रोसेस हमारा वही रहेगा, बस ध्यान इतना रखना है ये तो केजी में है, तो इसको थोड़ी ना कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट सिर्फ 8 ग्राम को करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 1 ग्राम जो होता है वो 0.001 kg के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए 8 ग्राम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.001 × 8, ठीक है। तो 8 से 1 की गुणाई 8 आया, और 3 अंक पहले दशमलव लगाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दिए आगे, और यहाँ पे दशमलव, 3 अंक पहले दशमलव हो गया, फिर दशमलव के पहले कुछ था नहीं तो 0 लगा दिया, तो 0.008 kg आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 5 kg + 8 ग्राम बराबर 5 में हम 0.008 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5.008 kg, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट, जो कि है 26 kg 50 ग्राम, ठीक है। 26 kg 50 ग्राम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 26 kg और 50 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 26 kg + 50 ग्राम, ठीक है। अब बताना है कि ये कितने केजी के बराबर हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बताना आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पे तो आप पढ़ ही रहे हो, ये है हमारा ऐप जिसका नाम है NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन, प्ले स्टोर में अगर डायरेक्ट सर्च करना है तो इस चैनल के नाम से जो जस्ट स्टडी इस चैनल के नाम से सर्च करोगे आ जाएगा तुरंत, और आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपकी सारी बुक्स हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में, और बुक्स के साथ साथ इनके सोल्यूशन में भी है। हम जो आपको पढ़ाते हैं ये सोल्यूशन भी वहां पे डाल देते हैं, मतलब ये हैंड रिटन बुक समझ लो हमारे, ये भी मिल जाएंगे सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन, हर बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ में ये हमारे कुछ चैनल्स हैं 7th, 8th और 6th का, ठीक है, ये हमारे नए चैनल हैं जहाँ पे हम यहाँ ये सारे सभी चैनल्स पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अलग अलग क्लासेस हो रही हैं। तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे साइंस भी पढ़ाई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। आपको आप सिक्स क्लास पे हो तो ये चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो आपके मॉडल पेपर हैं उनको भी हम जल्दी लेकर आएंगे और यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो बहुत गलत बात है, शेयर जरूर किया करो। तो आज की क्लास तो नहीं खत्म हुई है अभी तो ये क्वेश्चन कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, ये तो केजी में इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ये ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम 0.001 केजी के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 50 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा 0.001, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हम 50 से कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 50 से 1 की गुणाई 50 आ गया, ठीक है। और 3 अंक पहले दशमलव है, हमारे पास 2 ही अंक है, तो हम 1 0 अपनी मर्जी से यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अपने मर्जी से 0 बढ़ा लिया, 3 अंक हो गए। अब हम दशमलव लगा देंगे, 3 अंक पहले दशमलव लग गया, दशमलव के पहले कुछ नहीं था तो 0 लगा दिया। अब हम यहाँ पे केजी लिखेंगे, मतलब 50 ग्राम जो है वो केजी में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 26 केजी प्लस 50 ग्राम, ठीक है। 26 केजी प्लस 50 ग्राम का मतलब 26 केजी, तो 26 केजी ही था। इसमें हम क्या ऐड करेंगे 0.050, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 26.050 केजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26.050 केजी में ये कन्वर्ट हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है।